उत्तराखंड में राज्य के सभी जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी विभिन्न चेक पोस्टों पर प्रदेश के अन्य जगहों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों के साथ त्योहारों को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश भर में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के खाद्य संरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि विभाग की ओर से अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए जो है हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है हम लोग इसमें एक तो सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें विशेषकर हमारे जो जिले के जो एंट्री पॉइंट है उस पर हम लोग इसमें इंस्पेक्शन और सैंपलिंग कर रहे हैं। कितनी सैंपलिंग आपने ली है अभी तक और कितनी कार्रवाई आपने करी है? अभी जैसे हमने लगभग जो है जो अभी लीगल सैंपल है लगभग 60 के करीब सैंपल हम लोग ने ये भेजे हैं अभी, और इसमें से कुछ सैंपल अभी हमारे फेल भी आया है जो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसमें जैसे मसाले में है, मसाले में भी हमारे मतलब इसमें 4 एक सैंपल ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं पाए हैं, और जिसमें आगे जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। और दूसरा जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट में है विशेषकर जैसे पनीर है, पनीर के सैंपल में कुछ कमियां पाई है जिसपे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 5 सैंपल ऐसे हैं जिसपे हम लोग अभी जो रिपोर्टें हमारे पास आई है इसपे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हम देखते हैं होते हैं इंसान के लिए, तो इस ओर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? जो बॉर्डर से दूसरे सहारनपुर से आ रहे हैं उसको किस तरीके से रोक रहे हैं आप? हाँ, इसमें अभी जैसे बॉर्डर एरिया में हम लोगों ने अभी एक टीम गठित करी थी अभी पिछले 3 दिन पहले ही, और इसमें जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको चेक किया गया था, और इसमें हमारे साथ ऑडिट की भी टीम थी, साथ में ऑडिट अलग जो सेंटर की ऑडिट है उनमें, तो उसमें हम लोगों ने सैंपल भी लिए। और इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है और काफ़ी मात्रा में जैसे नष्ट भी करवाया है पनीर को, और केस भी दर्ज हुआ है लगभग अभी ये हमारे जो है अभी 1-2 साल के अंदर जो हम लोगों ने क्रिमिनल केस दर्ज करे हैं इसमें लगभग 23-24 मुकदमे दर्ज हुए हैं जो पनीर और उस पर ही है। तो इसमें पनीर में थोड़ा हम ये देख रहे हैं कि जो लोग जैसे खरीदते हैं शादियों ब्याहों के लिए, अब लोगों भी क्या है कि इसकी जो है जो डिमांड होती है वो डिमांड में मतलब उसकी करते हैं लो रेट की करते हैं क्योंकि ज़्यादा रेट होता है मार्केट में। आप देखेंगे 400 रुपये भी पनीर है एरिया में जो बढ़िया पनीर है, और लेकिन ऐसा था कि जो वेडिंग में और कैटरिंग उस पर जो है क्योंकि जो है जो वो डिमांड करते हैं उसमें जो है वो हल्की डिमांड का होता है, तो वहाँ से बाहर से जो आता है तो उसमें भी हम लोगों ने अभी जैसे हम परसों गए थे तो हमने डेली जो गाड़ियाँ थी उनको हमने वापस करी है चेक पोस्ट से, जहाँ हमें ऐसा लगा उनको हम उसमें एंट्री पॉइंट से उनको हम वापस कर रहे हैं। इसमें हमने पुलिस को भी वहाँ जो हमारी चेक पोस्ट है उनको भी बताया गया है कि मतलब इस प्रकार उसको वो भी चेक करते रहे, कोई सूचना होती है तो हमें भी दें।